वो चाहते हैं कि अब मैं कबीले की सरदारी को संभाल लूं। कबीले की जिम्मेदारी? हाँ। तो क्या आप सरदार बनने के लिए राजी हैं? मिला है अपने फादर से? हाँ मिला, सरदार बाबा से मिला था मैं। कैसी रही मुलाकात? ठीक थी। सिर्फ ठीक? इतने सालों के बाद बाबा से मिलके बहुत अच्छा लगा, वो बहुत खुश थे। जाहिर सी बात है, आप उनके बेटे हैं, आपसे मिलके खुशी तो होगी ना। हाँ, और कल पहली बार सरदार बाबा को बाप के रूप में देखकर मुझे खुशी से ज्यादा हैरानगी हुई। क्या मतलब, वो आपके साथ भी सरदार बिशाम खान बन के मिलते हैं? नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन कल कुछ कुछ अलग से लगे सरदार बाबा। बताया ना, क्या क्या बातें हुई हमारे बारे में बताया आपने? हाँ, कुछ बताया भी और नहीं भी। क्या मतलब? इस हवाले से बस सरसरी सी बात की मैंने उनसे। फिर क्या कहा उन्होंने? नहीं, कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उनके रवैये को देख के लग रहा था कि वो हमारे रिश्ते की मुखालफत नहीं करेंगे। अच्छा, बातें तो बहुत सारी हुई, लेकिन उन सब बातों में सबसे ज्यादा अहम बात यह थी, वो चाहते हैं कि अब मैं कबीले की सरदारी को संभाल लूं। कबीले की जिम्मेदारी? हाँ। तो क्या आप सरदार बनने के लिए राजी हैं? राजी तो नहीं हूं, लेकिन सरदार बाबा की ख्वाहिश को देखते हुए मुझे ये सब तो करना पड़ेगा। मैं जिंदगी भर किसी गिल्ट में नहीं रहना चाहता हूं। उनकी सेहत की कंडीशन को देखकर मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा। इस हालात में मुझे उनके साथ रहना चाहिए था। बस यही वजह है कि अब मैं उनको मना नहीं कर सकता। इसका मतलब अब आप मेरे सरदार से पूरे कबीले के सरदार बन जाएंगे? वाह भाई। लेकिन फिर आपकी जॉब का क्या होगा? जॉब तो मुझे अब छोड़नी पड़ेगी। फिर मेरा क्या होगा? मैं आपसे कैसे मिलूंगी? तुम हाँ, तुम तो अपने सरदार के साथ जाओगे ना, मिसेस सरदार रेहान खान बनकर।